आपको पंडित रामकृष्णा को इस प्रकार दरबार से नहीं जाने देना चाहिए था। हम भी नहीं चाहते थे कि पंडित रामकृष्ण दरबार से जाए, परंतु परंतु क्या महाराज, पंडित रामकृष्णा कितना मानते हैं आपको, कितना सम्मान करते हैं आपका, आपको उन्हें समझाना चाहिए था। क्या समझाना चाहिए था महारानी चिन्ना देवी, बताइए क्या समझाना चाहिए था हमें पंडित रामकृष्णा को? हमें भी एक अबोध बालक को अपने माता पिता से पृथक करना उचित नहीं लग रहा था, परंतु उस समय हमारे समक्ष उस बालक के भविष्य का प्रश्न था, और कल्लूरी दिनकर जी ने जो कहा वो भी तो उचित था। एक बालक का भविष्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। परंतु महाराज, परंतु क्या महारानी चिन्ना देवी, पंडित रामकृष्ण ने जो किया वो उचित था। अरे दरबार में हमारा अपमान कर दिया। ऐसा नहीं है महाराज, पंडित रामकृष्ण ने जो कुछ भी किया, लेकिन उनका उद्देश्य आपका अपमान करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि उनकी आपके प्रति अपनत्व की भावना थी, आप पर विश्वास था। इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि हमारा रसोई घर से अवकाश अर्थात कल्लूरी जी पंडित रामकृष्णा से ज्यादा श्रेष्ठ है। महाराज तो हम तो विजयी हुए ना। महारानी तिरुमलम्बा, आपको अपने विजय होने की चिंता है, पंडित रामकृष्णा की नहीं। पंडित रामकृष्ण की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब ये द्वंद्व कल्लूरी दिनकर जी और पंडित रामकृष्ण के मध्य नहीं, पंडित रामकृष्ण और हमारे मध्य है। महाराज, हे ईश्वर, हमारा मन बहुत ही विचलित हो रहा है, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। हम प्रातःकाल ही काली माता के दर्शन करने जाएंगे। भोजन से सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है, परंतु आप ये तो बताइए भोजन पे आपके साथ आ कौन रहा है? तो ये है आपका अतिथि कल्लू। आजा आजा, अरे आजा, चल अपनी पादुका उतार और आजा। अरे आना, बिल्कुल सही समय पर आया है तू, देख भोजन भी परोसा हुआ है। कैसा है तू मित्र? आजा। तुम जानते थे मैं आऊंगा। हाँ, जैसे आचार्य मेरा कुशल क्षेम पूछने के लिए आए थे, वैसे ही तुझे भी तो आना ही था। और देखना, अम्मा ने तेरी पसंद का गाजर का हलवा बनाया है। चल भोजन करते करते आगे की चर्चा करते हैं, आजा। ओहो, नाराजगी मुझसे है ना, अम्मा से तो नहीं? अम्मा ने अपने हाथों से सारे व्यंजन बनाए हैं। अरे आ तो सही, बैठ बैठ तू। हाँ चल भोजन करते। आश्चर्य है, तुम पर इस सब का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, किस मिट्टी के बने हो तुम? मैं कुछ समझा नहीं कल्लू। मेरी तो हार्दिक अभिलाषा थी कि दरबार में तुम्हें लज्जित होते हुए देखूं, परंतु तुमने तो एक बार में ही पराजय स्वीकार कर ली। तुम मुझे दरबार में लज्जित होते हुए देखना चाहता था, पर क्यों? मैं तेरा शत्रु तो हूं नहीं, फिर तू ऐसा क्यों चाहता था? चल छोड़, पहले भोजन करते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। जिसके तुम्हारे समान मित्र हों, उन्हें शत्रुओं की क्या आवश्यकता? क्या स्मरण करो 15 वर्ष पूर्व का वो दिवस। आपका तात्पर्य है कि आप अपने बाल्यकाल में अत्यंत बुद्धिमान रहे होंगे, इसीलिए बड़े होकर आप ऐसी बातों में विश्वास करने की मूर्खता कर रहे हैं। मूर्ख पिता का मूर्ख पुत्र, मूर्ख पिता का मूर्ख पुत्र। अरे वो तो परिहास था पगले, हंसी हंसी में कह दिया था। अंततः मैं भी तो उस समय एक नन्हा बालक ही था ना। तुम्हारा वो एक परिहास मेरे जीवन का कड़वा सत्य बन गया। निकाल की नादानी में मैंने तुझसे या तेरे पिता को कुछ कह दिया, उसे लेकर तू अभी तक क्रोधित है। अब तुझसे क्षमा मांगता हूं, क्षमा कर दे मुझे। कैसी क्षमा राम, तुम्हारी एक भूल ने मेरा समस्त बाल का नष्ट कर दिया। लज्जित होकर मुझे और मेरे पिताजी को तेनाली गांव सजा के लिए त्यागना पड़ा। पिताजी का सम्मान
सदैव के लिए नष्ट हो गया। इसका प्रतिशोध तो मुझे तुमसे लेना ही था, और आज मेरा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। मूर्ख मैं नहीं रामू, मूर्ख तुम हो। अरे दरबार में महाराज का अपमान ये तो कोई मूर्ख ही कर सकता था, और अब तुम दरबार से सदैव के लिए निष्कासित हो गए। तुझसे तेरे पिता ने ये सब करने के लिए कहा ना? स्वयं इतने बड़े विद्वान होकर भी इतनी हीन भावना थी उनमें। कल्लू, कभी भी किसी को नीचा दिखाकर उच्च स्थान नहीं प्राप्त किया जा सकता। हमारी विद्या, हमारे संस्कार, हमारे कार्य ही हमें उच्च स्थान तक ले जा सकते हैं। बाल्यकाल की नादानी में मेरे द्वारा की गई भूल का प्रतिशोध तूने उस अबोध बालक से लिया। अपने स्वार्थ के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए तूने एक नन्हे से बालक को उसकी माँ से पृथक कर दिया। यह अन्याय नहीं है क्या? बस, तुम्हारा प्रवचन सुनने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने जो किया वो सही था। पहले मैंने अपना नगर त्यागा था, अब तुम्हारी बारी। चुपचाप अपना सामान रहो और चलते बनो। अरे मनी मनी, ये कल्लूरी पंडित रामकृष्ण के पास। बड़ा चंट है, दरबार में शत्रुता और यहाँ भोजन का आनंद। चल गुरुजी को बता देते। चल 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 चल, चल। क्या हुआ माँ? तू यहाँ झूला झूल रहा है निर्लिप्त सन्यासी की तरह, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उस कल्लूरी ने तुझे दरबार से बाहर फेंकवा दिया, और तू है कि उसे घर में आमंत्रित करके भोजन पे व्यंजन खिला रहा है। छोड़ेंगे नहीं हम उस कलुए को। बड़ा हो गया तो क्या हुआ, एक बार पुनः दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे हम, सबक सिखाएंगे उसे। नहीं शारदा, देखा जाए तो इसमें उसका दोष नहीं है, भूल मेरी ही थी। मुझे अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए था। पर लामा, तू भी तो तभी एक आबोध बालक ही था ना, दिल दिल में तो ये तो भूत ही रहता है। बालक था तो क्या गुंडप्पे, भले ही सच हो किंतु था तो कड़वा। बात इतनी तीखी थी कि कल्लू और उसके पिता को आहत कर गई। चलो, इसी बहाने मुझे भी एक शिक्षा तो प्राप्त हुई कि कभी भी किसी को सुधारने के लिए ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए कि उसे अपमानित होना पड़े, अन्यथा परिणाम विपरीत हो सकता है, जैसा कल्लू के जीवन में हुआ। अम्मा, तलवार का घाव तो समय के साथ भर जाता है, किंतु कठोर और कड़वे शब्द व्यक्ति को जीवन भर के लिए आहत कर देते हैं। तुझे कल्लूरी ने कितना भला बुरा कहा, पर तूने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। मुझे तुझ पर गर्व है, तू मेरा पुत्र है। हाँ माँ, मुझे चाहिए भी तो क्या, बस चार जोड़ी वस्त्र और दो समय का भोजन। तुम्हारा दुलार और शादा के प्यार की कोई अल्पता तो है ही नहीं जीवन में। वो सब तो ठीक है, परंतु ये बताइए कि अब हम करेंगे क्या, खाएंगे क्या? ओहो, कब से एक ही रट लगा रखी है। तुमसे कितनी बार कहा शारदा, चिंता मत करो, करेंगे कुछ, सोचते हैं, शांति रखो। अभी तो आपने कहा था कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, अब चिल्ला क्यों रहे हैं? महापुरुष को उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी गुंडप्पे। क्या 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 क्या, क्या देख रहे हैं? ये नौलखा हार, इसकी तरफ तो देखना भी मत। अरे मैंने ऐसा तो कुछ कहा भी नहीं तुम्हें। हमें आप पर भरोसा नहीं है, अब ये हार तो हम सोते समय भी पहनेंगे। हाँ।
अले मुझे तोते तो मेरी लघु तंगा क्यों आ जाती है अम्मा उतो ना अम्मा उतो ना लघु तंगा आई है अले अम्मा उतो ना चलता उठता क्या है अली लघु तंग तो चला जाना अले लामा तल ना मैं लेता तो बार अगल बार कोई जानवर मुझे उठा ले गया तो लामा तल ना गुंडा पे मुझे सता मत जा पंडित रामा कृष्णा के बिना दरबार कितना अच्छा प्रतीत हो रहा है आपने कुछ कहा गुरुवर आपने सुन लिया महाराज जी आपने कुछ कहा नहीं महाराज नहीं हमने कुछ नहीं कहा कुछ नहीं महाराज बस हम तो राम का नाम जप रहे थे रामा रामा अरे महाराज महाराज आप ठीक तो हैं नहीं महाराज वो क्या हुआ कि कल हम एक वृद्ध महिला की सहायता कर रहे थे तो बस उसी प्रसंग में चोट लग गई हमारी चिंता मत कीजिए महाराज हम ठीक है महाराज आज के दरबार की कार्रवाई आरंभ की जाए महाराज दरबार की कार्रवाई प्रारंभ करने से पूर्व मुख्य सलाहकार के पद पर किसी को नियुक्त करने का अनुग्रह कीजिए आप आपका अर्थ क्या है गुरुवर महाराज देखिए अब पंडित रामाकृष्णा उपलब्ध नहीं है तो इसका तात्पर्य ये तो नहीं कि विजयनगर साम्राज्य के मुख्य सलाहकार का पद रिक्त रहेगा क्या ऐसा कोई व्यक्ति विजयनगर साम्राज्य में है नहीं जो इस पद के योग्य हो महाराज हमारे विचार से आप इस पद पर डलूरी जी को नियुक्त करते हैं हमें भली भांति ज्ञात है महाराज के ये निर्णय लेना आपके लिए कठिन और पीड़ादायक है किंतु गुरुजी यही है ना वृद्ध महिला और उसकी लाठी क्यों गुरुजी अम्मा अम्मा और शारदा यहाँ किस प्रयोजन से हैं ये आपको क्या Hey!
प्रणाम महाराज, अम्मा भी प्रणाम करनी है। जी, अम्मा जी को भी प्रणाम। अब आप दोनों बताएंगी क्या बात क्या है, आप दोनों यहाँ पर किस प्रयोजन से आए हैं? उठा लीजिए महाराज। क्या? न्याय दिलाने का बीड़ा उठा लीजिए। अर्थात? हम यहाँ आपके पास न्याय के लिए आए हैं, हमें न्याय दिलाइए महाराज। आपके पति पंडित रामकृष्ण को तो यहाँ की न्याय प्रणाली पर विश्वास नहीं है, फिर आप दोनों यहाँ पर किस प्रयोजन से उपस्थित हुई हैं? महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं, चल शारदा। महाराज हमारे पास एक बेशकीमती बहुत सुंदर हार था, शारदा को वो हार अति प्रिय था। कहानी खत्म, चल शारदा। महाराज हमारा वो हार चोरी हो गया है, हमें वो हार वापस चाहिए। आप अभी अपनी सेना को सेनापति सहित उस हार के चोर को पकड़वाने भेज दीजिए, हमें वो हार चाहिए महाराज। देवी आपने किसी को हार चोरी करते हुए देखा? परंतु रामा हमें बताने से मना कर रहे हैं। पंडित रामकृष्ण मना कर रहे हैं? अर्थात पंडित रामकृष्ण यहीं उपस्थित है, कहाँ है वो पंडित रामकृष्ण? ठीक है, आप हमें ये बताइए कि आपने उस हार को चोरी होते हुए देखा? आपने उस चोर को देखा? ये शीश हिला हिला कर क्या अजीब सी भंगिमाएं निर्मित कर रहे हैं आप? मुख खोलिए, स्पष्ट करिए। नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मैंने चोर को नहीं देखा तो मैं क्या बताऊं? तो फिर किसने देखा है चोर को? गुंडप्पा ने। गुंडप्पा ने ही चोर को देखा है। गुंडप्पा ने? अम्मा जी यहीं पर है, शारदा देवी भी यहीं पर, और पंडित रामकृष्ण भी यहां पर उपस्थित है, तो गुंडप्पा कहां हो सकते हैं? गुंडप्पा, प्रणाम। बताओ गुंडप्पा, आपने चोर को देखा? मामा मना कर ले महाराज। पंडित रामकृष्ण ये क्या कर रहे हैं आप? उधर मुक करके खड़े हो जाइए आप, उधर उस दिशा में। गुंडप्पा निर्भय होके सत्य बताइए, क्या आपने चोर को देखा? मामा मना कर ले महाराज। पंडित रामकृष्ण ये क्या कर रहे हैं आप? जाइए अपना आसन। हम क्या पूछ रहे हैं? पंडित रामकृष्ण को नहीं पता है कि चोरी किसने की है, गुंडप्पा ने भी चोर को नहीं देखा है, और शारदा देवी ने भी चोर को नहीं देखा है, तो फिर चोर को देखा किसने है? माला ने, दिन्ना देवी ने देखा है माला। महारानी की ओर इंगित करने का दुस्साहस कर रहा है ये दंड बालक, तेरा दस्त। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु आप एक बार महारानी जी को बुलाकर सत्य ज्ञात कर लेते तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता। मंत्री जी, महारानी चिन्ना देवी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपने चोर को देखा? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं महारानी चिन्ना देवी, उत्तर दीजिए। महारानी चिन्ना देवी, आज प्रातः काल आप कहां गई थी और किस प्रयोजन से, इसका उत्तर तो दे सकती हैं आप। जी महाराज, हम गए थे, हम काली माता के मंदिर उनके दर्शनों के लिए गए थे महाराज। हमारा मन बहुत विचलित हो रहा था,
पंडित रामकृष्ण का निष्कासन होना और उस कारण आपकी उद्विग्नता हमसे देखी नहीं गई, इसीलिए हम माँ के मंदिर उनसे प्रार्थना करने गए थे कि आपके और पंडित रामकृष्ण के बीच जो सदैव से स्नेह रहा है वो पुनर्स्थापित हो जाए। तो आपने चोर को देखा या नहीं? नहीं महाराज, हमने किसी को नहीं देखा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.